हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को 30 सेकेंड के अंदर में कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो आपको ध्यान रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यही याद रखना है, पुरानी बातें जो आपको याद है उस पर आप मिट्टी डाल देना है। अटैचमेंट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको भी राइट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जो आपने 9th में पढ़ा है उसको आप भूल जाना है। अब एक ही चीज़ ध्यान रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इसलिए रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट उसका रिवर्स। बस आपको यही ध्यान रखना है इस चैप्टर में और कुछ नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम सर याद कैसे रखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाए, तो उसके लिए ट्रिक्स है क्या, ऑयल वर्ड जो हेयर में आप लगाते हो, दैट मीन्स क्या हो गया, ओ से ऑक्सीडेशन, आई से एज, एल से लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियस बात है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो ऑयल वर्ड से याद रख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन कि सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है क्या। तो देखो एक्चुअल में ये हाइपोथेटिकल चीज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज डेवलप ऑन द एटम, और ये किस वजह से होता है, तो उसका जो मेन रीज़न है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये चार्ज डेवलप होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, तो यू नो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बॉन्ड बनाया तो इस पर एक माइनस वन देना है, तो इस पर एक प्लस वन देना है। ये जो चार्ज हमने लिखा माइनस वन प्लस वन, यही ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यू नो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो बॉन्ड बनाया तो इस पर दो माइनस दो, जितना बॉन्ड उतना माइनस दे दो, तो इस पर प्लस टू आ जाएगा। फिर इधर से भी बनाया, इस पर फिर से माइनस दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर फिर से प्लस दो, तो कार्बन पे टोटल कितना हो गया, प्लस फोर। तो इस टाइप से हर एक इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज डेवलप हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसलिए ये हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, ओके। दूसरा, और ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से भी चार्ज डेवलप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे क्या सोच लेते हैं, कार्बन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा sp, और इसका क्या sp3, तो यू नो sp का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, फिर उससे कम sp2, फिर उससे कम sp3, परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर हम बात करें अपनी तरफ खींचेगा, तो इस बॉन्ड की वजह से इस पर माइनस वन, तो इस पर प्लस वन, सिर्फ इस बॉन्ड का। बाकी इनका अगर ध्यान से देखें तो तीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन सब पे क्या आ जाएगा, प्लस वन प्लस वन, तो ये प्लस वन की जगह इस पर और कितना जाएंगे, और माइनस थ्री, तो इस पर टोटल कितना आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन, डैट इज ओवरऑल कितना, माइनस टू। तो ऐसे करके हम निकालते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं डैट इज रेडॉक्स, इसके नाम में ऑलरेडी क्लियर है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर कोई एक कंप्लीट रिएक्शन है और अगर आपको पता लग गया कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो रेडॉक्स होगा, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन में ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होते हैं। तो अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाते हैं। नाउ टोटल मैं 6 पॉइंट आपको देने जा रहा हूँ, जिसको अच्छे से समझना है और इसको ध्यान में रखना ही है। तो सबसे पहले, अगर कहीं पे सिंगल एटम आपको दिख रहा हो, जैसे सोडियम कार्बन मैग्नीशियम, डैट मीन्स इसके साथ और कुछ कंपाउंड या एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जीरो लेना है, ओके, क्योंकि कोई है नहीं तो कोई चार्ज इस पर डेवलप नहीं होगा। अगर सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल हैं लाइक O2, N2, P4, H6, H2 एक्सेट्रा, चूँकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा ही नहीं, दोनों सेम एटम है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, राइट। तो ये पॉइंट नंबर वन आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट अगर कहीं पे भी कंपाउंड में दिख रहा है, ध्यान रहे कंपाउंड है, यहाँ पे ये सिंगल फॉर्म है कंपाउंड, जैसे Na2SO4, राइट, तो फर्स्ट ग्रुप का है तो फिक्स है उसका प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, फर्स्ट ग्रुप का है तो उसका फिक्स प्लस वन। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप का कोई दिख गया, मैग्नीशियम कैल्शियम बेरिलियम कंपाउंड में, ध्यान दें, तो फिर उसका प्लस टू फिक्स। एल्युमिनियम कहीं पे दिख गया कंपाउंड में, जैसे AlCl3 Al2SO4 होल थ्राइस, कहीं पे भी कंपाउंड फॉर्म में दिख गया तो प्लस थ्री उसका फिक्स है, तो इसलिए ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, हाइड्रोजन कहीं पे अगर मेटल के साथ दिख जा रहा है, जैसे NaH, तो उसका माइनस वन, कैसे याद रखेंगे, M से मेटल, M से माइनस, सिंपल। और नॉन मेटल के साथ दिख जाए तो नॉन मेटल मतलब नॉन माइनस मतलब प्लस, तो प्लस वन में होगा, जैसे HCl में ये प्लस वन में, तो ये पॉइंट नंबर थ्री भी क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर फोर, फ्लोरीन
कहीं भी कंपाउंड में अगर दिख जाए, ध्यान रहे अगर F2 होगा तो जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं आएगा। ये किसी और एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड बना रखा है कंपाउंड फॉर्म में तो ऑलवेज माइनस वन फ्लोरिन का होगा, राइट। पॉइंट नंबर 5, डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन जो है अनलेस आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, जब तक ना पूछा जाए तब तक आपको माइनस टू ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। ये सब फिक्स चीज़ें आपको लेना है जब तक कि ऑक्सीजन के बारे में पूछा नहीं जा रहा है। अगर पूछा जाएगा तो चूंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू से प्लस टू तक वेरी कर सकता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, बट जब तक ना पूछा जाए अगर ये कंपाउंड मार रहा है तो आपको माइनस टू मान के चलना है, अगर पूछा जा रहा है तो केयरफुल हो जाना है। क्लियर है पॉइंट। पॉइंट नंबर 6, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हर ग्रुप के एलिमेंट का रेंज फिक्स है, जैसे फर्स्ट ग्रुप का प्लस वन ही हो सकता है, सेकंड ग्रुप का कंपाउंड में प्लस टू, तो ये भी हम कंपाउंड में बात कर रहे हैं। 14 ग्रुप का होगा तो माइनस फोर से लेकर के प्लस फोर तक, कैसे, क्योंकि 14 ग्रुप का है तो लास्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आइदर चार लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा, इस वजह से माइनस फोर से प्लस फोर। 15 ग्रुप का होगा तो तीन ले सकता है, लेगा तो माइनस, या पाँच दे सकता है तो माइनस थ्री टू प्लस फाइव, ये रेंज हो गया, इसके बीच कुछ भी आ सकता है। 16 ग्रुप का है तो माइनस टू से सिक्स तक में आ सकता है, 17 का है तो माइनस वन से सेवन तक आ सकता है, और 18 का है तो जीरो, माइनस कभी नहीं हो सकता, से लेकर के प्लस एट तक इसका रहेगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH4, तो यू नो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे कार्बन का माइनस फोर है, CCl4 में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे कार्बन का प्लस फोर है, तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस फोर से प्लस फोर के बीच कुछ भी हो सकता है, डेट इज माइनस थ्री भी आ सकता है, माइनस टू भी, माइनस वन, जीरो एटसेट्रा आ सकते हैं, राइट। वैसे ही 15 ग्रुप में जैसे नाइट्रोजन, तो ये NH3 में माइनस थ्री है, HNO3 में ये प्लस फाइव है, तो ये एक रेंज हो गया, राइट। 16 ग्रुप में H2S में सल्फर माइनस टू है, H2SO4 में प्लस सिक्स में है, वैसे ही 17 में HCl में क्लोरीन माइनस वन में, यहाँ पे क्लोरीन प्लस सेवन में, यहाँ पे जेनॉन जीरो है, यहाँ पे जेनॉन प्लस एट है। तो ये रेंज बताने से क्या फ़ायदा हो गया कि आपको पता लग गया है कि कार्बन कहीं पे अगर प्लस फोर में तो उससे आगे नहीं जा सकता, राइट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट लिमिट हो गया, वैसे ही माइनस फोर में तो आप पीछे नहीं जा सकता, तो एक लिमिट फिक्स हो गई है, इससे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या कौन डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा उसको पहचानने में बहुत ईजी होगा। तो एक्चुअली ये 6 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं यूज करूँगा। नाउ ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दो ट्रिक्स हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हो। पहला तो यह है कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल या कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, जो अंडरलाइन एटम है उसका निकालना है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का आपको बता दिया है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, ऑक्सीजन का बता दिया, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि क्लोरीन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का प्लस वन ले लेंगे, क्लोरीन का नहीं मालूम है तो X, क्योंकि सम करना हमें ऐड करना है, राइट, और तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का माइनस टू, तीन ऑक्सीजन का तो माइनस सिक्स, इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इस पर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, न्यूट्रल, तो जीरो, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा आपको, फाइव, डैट मीन्स क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस फाइव में, तो ऐसे कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का हो गया, कंपाउंड में है तो प्लस वन फिक्स, दो सोडियम है तो दो प्लस चार्ज हो जाएंगे टोटल, सल्फर का नहीं मालूम तो X, चार ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का माइनस टू तो माइनस एट, इज इक्वल टू जीरो, कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ से X आ जाएगा आपका सिक्स, इस टाइप से आपको निकालना है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉस्फोरस का नहीं मालूम है, एक ही एटम है तो वन इंटू X, तो X ही हो जाएगा, चार ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का माइनस टू तो माइनस एट, इज इक्वल टू चार्ज, जब आपको दिख रहा है माइनस थ्री, जो चार्ज जिस साइन के साथ होगा वही लिखना है, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, और कुछ नहीं होगा तो जीरो, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा आपको, फाइव, राइट। जैसे यहाँ पे निकालना है मैंगनीज का, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का हो गया तो प्लस वन, मैंगनीज एक ही एटम है तो नहीं मालूम है तो एक्स, ऑक्सीजन का चार एटम है तो माइनस एट हो जाएगा, हर एक ऑक्सीजन का माइनस टू, इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो जीरो, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा, सेवन। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, दो पोटेशियम है तो दो प्लस हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है, दो क्रोमियम है, ध्यान रहे, तो दो क्रोमियम का एक का अगर X तो दो का दो X, ध्यान रहे ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक सिंगल एटम का बताते हैं,
तो 2 का 2x और 7 ऑक्सीजन है तो -14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ जाएगा आपको 6। ये जो x 6 आया वो एक क्रोमियम का है, दो क्रोमियम का बोलता तो टोटल +12 होते, तो ये एक तरीका है निकालने का, राइट। दूसरा तरीका है वाया स्ट्रक्चर। चूँकि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो तो आपको स्ट्रक्चर बनाना ईजी है, एग्जैक्ट शेप नहीं बनाना, बस एक स्ट्रक्चर बनाना है। और उसमें क्या करना है, चार्ज कितना देना है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि तो नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड कितना बनाया है उस एटम ने। फॉर एग्जांपल जैसे H3PO3, तो आपको पी ब्लॉक में बता रखा हूँ फास्फोरस के कोई भी ऑक्सो एसिड हो उसमें एक पी डबल बॉन्ड हो और एक POH होगा ही, राइट। अब ध्यान से देखो, तो दो ऑक्सीजन आपने यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बचा है एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन बचा है तो एक OH और एक हाइड्रोजन तो ये, राइट। अब ध्यान से देखो मैं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे फास्फोरस का निकालना है, फास्फोरस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ पे ये दो बॉन्ड तो यहाँ पे ये दो माइनस, तो इस पर दो प्लस, फिर इस बॉन्ड की वजह से एक सिंगल बॉन्ड है तो इस पर -1, तो इस पर फिर से एक +1, फिर इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन -1 तो यहाँ पे फिर से +1। और फास्फोरस हाइड्रोजन का ध्यान से देखो, तो फास्फोरस ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव माना जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे +1 तो इस पर कितना आ जाएगा -1, तो अब इस फास्फोरस पे टोटल कितना हो गया ध्यान से देखो, +4 -1 डैट इज +3, तो इसलिए इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +3 में। तो ऐसे हम कर सकते हैं, तो वही पॉइंट हमने लिखा है कि चार्ज आपको कितना लेना है, कितना बॉन्ड वो बनाया है। जैसे एक और एग्जांपल H2SO5, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ही पार्ट है ये, जस्ट आपको मैं ऐसे करके आपको दिखा रहा हूँ। अब सल्फर का निकालना ध्यान से देखो, ये दो बॉन्ड तो ये -2 तो यहाँ पे +2, फिर ये दो बॉन्ड तो -2 तो ये +2, फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड है ऑक्सीजन का सल्फर के साथ, तो इस पर -1 तो इस पर एक +1 आ जाएगा, राइट। वैसे इसमें बात करें तो फिर से ऑक्सीजन पे -1, इस हाइड्रोजन पे +1, राइट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस देना। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सल्फर ऑक्सीजन में ये -1 तो ये +1, ये ऑक्सीजन में ध्यान दे दोनों सेम है, राइट, तो इस ऑक्सीजन पे अभी कुछ नहीं आएगा इस ऑक्सीजन की वजह से, और इस हाइड्रोजन की वजह से +1 तो -1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, इसलिए परऑक्सी लिंकेज की बात होती है, राइट। तो इसलिए स्ट्रक्चर से भी जाना ईजिए, तो अब यहाँ पे सल्फर का टोटल कितना गया ध्यान से देखो, +2 +2 +4 +1 5 +1 6, तो यहाँ पे सल्फर +6 में। अगर आप सपोज करो उसको उस तरीके से निकालते जो ये वाला पॉइंट बताया, इस तरीके से निकालते तो कितना आ जाता है, 2 सल्फर का नहीं मालूम है, एक्स -10 इज इक्वल टू 0, तो एक्स यहाँ से आता है 8, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि 6 आ रहा है, तो इसलिए हमने वो पॉइंट नंबर 6 आपको बोला था, क्योंकि वी नो सल्फर का जो मैक्सिमम लिमिट है -2 से लेकर के +6 तक है, तो कभी अगर आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो और उसके वो हाईएस्ट से ज़्यादा आ जा रहा है तो आपको हाईएस्ट बता करके छोड़ देना है, राइट। वैसे यहाँ पे HClO3, जैसे यहाँ पे हमने निकाल रखा है +5, तो आप निकाल सकते हो कैसे, तो इसका जो आपको स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम ही है इसे, तो देखो ये दो बॉन्ड की वजह से +2, ये दो बॉन्ड की वजह से +2 और ये एक बॉन्ड की वजह से +1, तो टोटल कितना हो गया +5। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट एक ही बात है, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट एक ही बात है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसको बोलते हैं ये, तो ध्यान से देखो, एजेंट बोले तो वो उसका काम करता है, राइट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अदर को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट सेल्फ रिड्यूस होंगे। आप कैसे पहचानेंगे, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट, डैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग का ही सिर्फ काम कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो उससे आगे जा नहीं सकता, बैक आएगा, बैक आने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, तो इसलिए ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 में सल्फर +6 में, तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। HNO3 में नाइट्रोजन +5 में, KNO4 में मैंगनीज +7 में, तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका रिवर्स हो जाएगा रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में, इसलिए हमने रिवर्स वर्ड लिख दिया, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ऑलवेज रिड्यूसिंग का काम करेगा, जैसे H2S में सल्फर -2 में, NaCl में -1 में, तो ये इससे बैक नहीं आ सकता, इसके आगे ही जाएगा। एक नंबर लाइन आप बना लें, जैसे Cl के केस में -1 से +7 है, तो अगर वो -1 में तब आगे ही जा सकता है, तो ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर +7 में तो वो पीछे जा सकता है, क्योंकि ये बाउंड्री लिमिट हो गई, तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग, और अगर इन बिटवीन कहीं पे हुआ तो वो दोनों साइड जा सकता है, तो डैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन, जो भी हम बात करेंगे।
नाउ आप कैसे पहचानेंगे किसी भी रिएक्शन में, तो हर एक एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। जैसे यहाँ पे लेड किस में है, प्लस टू में, ऑक्सीजन माइनस टू में, हाइड्रोजन यहाँ पे सेम एलिमेंट से है तो जीरो, यहाँ पे लेड सिंगल एलिमेंट है तो जीरो, हाइड्रोजन नॉन मेटल से है तो प्लस वन, ऑक्सीजन माइनस टू। तो देखो ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हुआ राइट, तो इसलिए हम इससे नहीं पहचान पा रहे। लेड में चेंज हुआ प्लस टू से जीरो, तो क्या हो गया प्लस टू से जीरो कम हो गया है राइट, डिक्रीज हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि प्लस टू से जीरो हो रहा है। और वैसे ही हाइड्रोजन जीरो से वन इसका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो खुद वो क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डेफिनेटली ये फिर क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बट अगर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट, क्यों क्योंकि प्लस टू से जीरो में चला गया है तो गेन क्या है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये प्रोसेस है रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ जीरो से वन में लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का राइट, तो ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो आप ऐसे भी कह सकते हो प्रोसेस अगर रिडक्शन है तो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग होगा, अगर प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो एजेंट रिड्यूसिंग होगा। तो वेरी सिंपल है इस तरीके से पहचानना, कोई भी कन्फ्यूजन का सीन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग जो अदर को ऑक्सीडाइज करे इट सेल्फ रिड्यूस हो, उसका खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू से जीरो में कम हो गया इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ ज्ञान की बात और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे सेम एलिमेंट, ध्यान दें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है राइट। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में अगर आता है तो वो डेफिनेटली आपका डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरीन देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे माइनस वन में आया, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे प्लस वन में आया। तो ध्यान से देखो सेम एलिमेंट क्या हुआ जीरो से माइनस वन रिड्यूस हो गया और जीरो से प्लस वन ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये ऑलवेज लेफ्ट साइड में होंगे और उधर राइट साइड में। तो सेम एलिमेंट का देखना है अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तो ये फिर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी डिसप्रोपोर्शनेशन राइट। जितने भी नॉन मेटल है उसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराते हैं तो डेफिनेटली वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है, तो पहचानना ईजी है। जैसे ये क्वेश्चन देखो विच कैन शो डिसप्रोपोर्शनेशन, तो आपको क्या करना है एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है मिनिमम और मैक्सिमम आपको हर एलिमेंट का बता रखा हूँ, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इनके बीच में आ रहा है तो वो शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैंगनीज प्लस सिक्स में जो कि उसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहा है राइट, क्योंकि मैक्सिमम प्लस सेवन है तो ये शो करेंगे। वैसे ही HClO2 में क्लोरीन का प्लस थ्री आ रहा है जो मिनिमम यूनो माइनस वन है उसका और मैक्सिमम प्लस सेवन है उनके बीच में आ रहा है तो ये भी शो करेंगे। HNO2 में प्लस थ्री में मिनिमम इसका माइनस थ्री होता है और मैक्सिमम प्लस फाइव होता है उनके बीच में आ रहा है तो ये भी शो करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए राइट। पॉइंट नंबर टू नॉन रेडॉक्स रिएक्शन आप कैसे पहचानेंगे, तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें आप, अगर किसी का भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेडॉक्स है। दूसरा क्विकली कैसे पहचानेंगे, तो अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली वो नॉन रेडॉक्स होती है, जैसे ये बेस है ये एसिड तो नॉन रेडॉक्स होगा, क्यों क्योंकि इसमें आप किसी भी एलिमेंट का निकालो सबका दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहेगा। वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट डेट मीन्स कैटायन एन आयन एक्सचेंज वाली रिएक्शन, जैसे यहाँ पे Na सल्फेट के साथ चला गया और मैग्नीशियम Cl के साथ, ध्यान दें हमने रिएक्शन को भी बैलेंस नहीं किया जस्ट आपको समझाने के लिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट एसिड बेस रिएक्शन नॉन रेडॉक्स होती है, पहचानने का तरीका आपको क्लियर है। नाउ एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर वन में विच कांट शो डिसप्रोपोर्शनेशन, तभी आपको बताया कि वही नहीं शो कर सकता जो हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इन बिटवीन होगा तो शो कर सकता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ब्रोमीन प्लस सेवन में जो कि हाईएस्ट हो गया तो ये शो नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर टू में आपको बताना है H2O2 के बारे में कि ये किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है Cl यहाँ पे किस में था प्लस वन में और यहाँ पे क्या पे आ रहा है माइनस वन में राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करें और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो क्योंकि ये माइनस वन से जीरो में आ गया तो इसलिए यहाँ पे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकेंड में यहाँ पे आयोडीन जीरो में है राइट और यहाँ पे माइनस वन में आ रहा है, अगेन ये रिड्यूस हो गया राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, ध्यान से देखो माइनस वन से ये जीरो में आ गया राइट। तो यहाँ पे आयोडीन का देख रहे हैं तो यहाँ पे भी रिड्यूसिंग, तो दोनों में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे माइनस टू में भी तो आ रहा है, बेटा हमें दूसरे को देखना है कि वो दूसरे वाले पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, इसको क्या किया उसने जीरो से माइनस वन में लिया है डेट मीन्स इसको रिड्यूस किया। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं जो अदर को रिड्यूस करे, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सिमिलरली इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछ सकता है कि सब में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम बताना है, यहाँ पे क्रोमियम का आपको बता रखा हूँ निकालना सिक्स, मैंगनीज का यहाँ पे सेवन आ जाएगा
और यहाँ पे ये दो पोटेशियम है, दो प्लस, तो ये माइनस है, तो प्लस सिक्स, तो ये सिक्स है, तो कितना हो गया टोटल 19। तो ऐसे इंटीजर टाइप में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में विच कांट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, तो वही सेम पॉइंट कि वही नहीं शो कर सकता जो हाईएस्ट या लोएस्ट में, यू नो H3PO4 में फॉस्फोरस प्लस 5 है जो कि हाईएस्ट है, तो ये दोनों का काम नहीं कर सकता, राइट। बाकी सब में यहाँ पे ये अपने इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो दोनों का काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2, K2, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, आपको बता रखा हूँ फर्स्ट ग्रुप का है तो सोचना ही नहीं है, कंपाउंड में ऑलवेज प्लस 1, तो इन तीनों में पोटेशियम का प्लस 1 ही रहेगा, राइट। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। 6 में स्टाइप से रिएक्शन दे करके कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, अगेन रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, जो अदर को रिड्यूस करे। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो टीन था प्लस 4 से प्लस 2 में, तो ये रिड्यूस हुआ, अदर को रिड्यूस करे और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, तो यहाँ पे ये प्लस 4 में था और यहाँ पे ये प्लस 6 में सल्फर आ रहा, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएंगे, H2SO3। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन लिया, ऐसा नहीं बेटा कि बस इतने क्वेश्चन है, जस्ट डिफरेंट टाइप के जो आइडियाज़ हैं वो आपको दे दिया, अब आप सारे PYQ को कर सकते हो। थैंक यू।